राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। वहीं कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा नीतीश मंत्रिमंडल के कई विभागों के मंत्री, विधायक और विधान पार्षद ने गांधी को माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने गांधी की वेशभूषा में पहुंचे सुरेश कुमार और वहां मौजूद म्यूजिकल थिएटर के कलाकारों से भी मुलाकात की। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भी शास्त्री नगर पार्क में आयोजित राजकीय जयंती समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री ने उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और वहां मौजूद सभी लोगों को लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, एमएलए, एमएलसी सहित कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बारे में ही सब चीजों के बारे में चर्चा करिए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। एक दिन तो कम से कम उन्हीं के सब बातों की। सर, बीजेपी लगातार कह रही है जेडीयू में टूटा टूटा, क्या आप रिलीज करेंगे? अरे मैं आप जल्दी हो जाएगा। जैसे ही जिसको दिया गया है जिम्मा, वो तैयार कर देगा, उसके बाद ही ना आप सब लोग जानिएगा। हम कुछ बोलना मेरे लिए उचित है, लगभग तैयार है जो हम कुमार। अब वो अपना घोषित करेगा, तो जब घोषित कर देगा उसका देखिए खेल के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छा होगा। सर, बीजेपी अभी नहीं, और उसके बाद तो हम लोग सब जो 9 पार्टियां एक साथ बैठी थी, ये सब होगा तो एक दिन हम लोग देखो सबकी राय से ये बन करके तैयार हो गया, एक बार कह देंगे। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं व्यवहार न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी न्यायिक पदाधिकारियों और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी एवं भागलपुर डालसा के कर्मचारी, पारा विधिक स्वयं सेवकों ने न्यायालय परिसर की साफ सफाई में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं गांधी जयंती कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद ने लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके। इस दौरान एडीजे प्रथम अरविंद कुमार शर्मा, एडीजे द्वितीय मनोज कुमार द्विवेदी, एडीजे 11 अंबीर सिंह बघेल समेत एडीजे 16 विश्वजीत गुप्ता और एडीजे 4 ज्योति कुमारी के अलावा भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रशासनिक प्रभारी राजेश चक्रवर्ती ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर शशि भूषण सिंह, रमन कर्ण, अमित कुमार, सुलिका कुमारी, अनुपम कुमार एवं पारा विधिक स्वयं सेवक मौजूद रहे। इधर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी, जबकि वहां मौजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर कई बापू और शास्त्री जी को नमन किया। संस्कृति मंच भागलपुर की ओर से बुढ़ाना चौक के समीप एसएमएस मिशन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नारायण झा ने की। आगामी 4 से 6 नवंबर तक लाजपत पार्क स्थित कला केंद्र में आयोजित होने वाले 10वें 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान रंग महोत्सव से संबंधित विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श के बाद कई अहम निर्णय लिया गया, जिसमें अपसंस्कृति के खिलाफ मनाए जाने वाले भागलपुर रंग महोत्सव में लोक कला, रंग कर्म एवं
एवं राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन शामिल है। वहीं बैठक में बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस, सांस्कृतिक शोभा यात्रा की जीवंत प्रस्तुति, भागलपुर और देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले कलाकारों द्वारा किए जाने की बात बताई गई। बैठक का संचालन डॉक्टर जयंत जलद ने किया। बता दें कि विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों द्वारा अलग अलग भारतीय भाषाओं में कुल 15 नाटकों की प्रस्तुति होगी, जबकि इसको लेकर कार्यक्रम निर्देशक कपिल देव रंग ने बताया कि इस वर्ष बिहार सहित अन्य 10 राज्यों से नाट्य एवं नृत्य दलों ने महोत्सव में शामिल होने की लिखित स्वीकृति दे दी है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों समेत राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नाट्य संस्था शामिल है। मौके पर देवाशीष बनर्जी, तरुण घोष, शांतनु गांगली, तापस घोष, दीपक कुमार समेत काफी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्य और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। सिकंदरपुर स्थित पटेल नगर पानी टैंकी के समीप जदी के पूर्व नगर सुड्डू साई के आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सुड्डू साई ने देश की आजादी में बापू के योगदान को याद करते हुए युवाओं से महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए सभी को सतत प्रयास करते रहना चाहिए। मौके पर युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार ओझा, जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष विकास कुमार, जिला जदयू के महासचिव अनिरुद्ध मंडल, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामकृष्ण मोदी, अवधेश कुमार दास, टिंकू मोदी समेत कई लोग उपस्थित थे। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से काट कर मनाई गई। इस दौरान नगर पंचायत के अध्यक्ष किरण देवी और उपाध्यक्ष अनिल कुमार ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर केक काटा। साथ ही नगर पंचायत अकबर नगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार, वार्ड पार्षद कन्हैया कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संतोष कुमार समेत काफी संख्या में लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। नगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी और उपाध्यक्ष अनिल मंडल ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की अपील लोगों से की। साथ ही कहा कि इन दोनों महापुरुषों के विचारों पर चलकर देश और समाज को आगे ले जाया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण एवं अमर बलिदानी क्रांतिकारियों के पराक्रम को लेकर संपूर्ण भारत में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इसको लेकर यात्रा के आयोजकों का कहना है कि भारत में राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी शक्तियाँ, आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या, ड्रग माफिया और जनसंख्या असंतुलन जैसे कई मुद्दों पर बहुसंख्यक समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए संपूर्ण बिहार में शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के प्रति किए जाने वाले षड्यंत्र से बचा जा सके। वहीं भागलपुर में रविवार को निकाली गई शौर्य जागरण यात्रा के दौरान ईश्वरनगर, भोलानाथ मंदिर परिसर और मनस्कामना नाथ मंदिर में 3 सभाएं की गई, जिसमें बजरंग दल के प्रांत संयोजक रजनीश कुमार ने संबोधित किया। इस दौरान भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में जम्मू कश्मीर के लिपावली पोस्ट पर तैनात कैप्टन महेश दास को उनकी वीरता के प्रांत संयोजक रजनीश कुमार द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इधर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने सभी नागरिकों से राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान करते हुए सभी युवाओं को बजरंग दल से जुड़ने की बात कही। इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें काफी संख्या में युवाओं के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य एवं प्रतिनिधि शामिल रहे।